नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यूज की सीरीज में आज जो हम देखने वाले हैं पॉलिटी सब्जेक्ट में और पॉलिटी सब्जेक्ट में भी जो हम देखने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे हम आज हम जो अपने टॉपिक्स है, दो तीन टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देशिका की। क्या है उद्देशिका? उद्देशिका से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे, राइट लेफ्ट भी देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में अगर मैं उद्देशिका के बाद बात करूं तो मैं आपके मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें देखने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही साथ में मैं आपात उपबंध को भी एक तरीके से देखने की पूरी कोशिश करूंगा। बेसिकली ये सारे टॉपिक एमसीक्यूज के माध्यम से आपके सामने रखे जाएंगे और उनका एक एक करके व्याख्या बेहतरीन लेवल तक आप तक डिलीवर की जाएगी। इससे पहले कि अगर आपने एमसीक्यूज की सीरीज नहीं देखा है तो उसे आप जाकर के देख सकते हैं। ऑलरेडी ये पॉलिटी का 5वां सेशन है, इससे पहले 4 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसी के साथ ही में ये जो पूरा सीरीज चलाया जा रहा है एमसीक्यूज का, ये हिस्ट्री के साथ ही में पॉलिटी के साथ में आपको हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ ही में आपको इकोनॉमी के भी एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो यूपी में आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिलीवर नहीं करता, मैं आपको कंटेंट डिलीवर करता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए इससे पहले अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो अगर हमने अनुसूचियों की बात की है तो सारे अनुसूचियों को हमने एक तरीके से देखने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके चला हूं, एक से लेके 12 तक 12 क्वेश्चन हो गया, 12 अनुसूचियों को मैंने बता दिया, फिर एक एक संविधान संशोधन को लेकर के आया, फिर उन सारे संविधान संशोधन पे एक एक क्वेश्चन मैंने बना दिए। मेरा मकसद आप तक क्वेश्चन डिलीवर करना नहीं है, मेरा मकसद आप तक कंटेंट डिलीवर करना है, जिससे कि कम टाइम में जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं आपके अगर दिमाग में आए कि यार मैं तो संविधान संशोधन कन्फ्यूज हो रहा हूं, या मैं एक बार जीडीपी कन्फ्यूज हो रहा हूं, या बक्सर प्लासी के युद्ध को कन्फ्यूज हो रहा हूं, पानीपत के युद्ध को कन्फ्यूज हो रहा हूं, तो आपको टाइप करना है, बगल में लिखिए परीक्षा प्लस। आपको अगर नेशनल इनकम चाहिए गूगल पे यूट्यूब पे जाके टाइप करिए, लिखिए नेशनल इनकम परीक्षा प्लस, आपको यहां की नेशनल इनकम की वो जो छोटी सी शॉर्ट प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। वहां पे आप जाके क्लिक करेंगे और 20 से 25 मिनट में पूरा का पूरा नेशनल इनकम आप तक डिलीवर करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। सो आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने रहा आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, आपका ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949, ठीक है। यह है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। अगर मैं उद्देश्य प्रस्ताव की बात करूं तो उद्देशिका को ही जब हम उसे लागू किया गया तो उसे उद्देश्य प्रेजेंट किया गया तो उसे उद्देश्य प्रस्ताव किया कहा गया, और जब उसे लागू कर दिया गया तो उसे भारतीय संविधान में उद्देशिका के नाम से जाना गया, ठीक। अगर थोड़ी देर के लिए मैं उद्देशिका पे नजर डालूं तो उद्देशिका आपकी कहती है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। उद्देशिका कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्र सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये उद्देशिका थी। उद्देशिका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको उद्देशिका प्रॉपर सही से नहीं पता है तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर समानता पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के समानता का उल्लेख है तो आप नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्रता पूछ लेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है पूछ ले जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, आप नहीं कर पाएंगे। लास्ट में एक तारीख आपको बताई गई 26 नवंबर 1949, वो तारीख आपको याद होनी चाहिए, ठीक। सो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो उद्देशिका आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 9 दिसंबर की तो 9 दिसंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक, इसी के साथ में
सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक, ये आपको पता है। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं 11 की, तो 11 तारीख को जब भी बैठक हुई हमारी संविधान सभा की, तो संविधान सभा की जब बैठक हुई 11 तारीख को, तो 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो HC मुखर्जी साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया, और इसी के साथ आप देखेंगे तो संवैधानिक सलाहकार BN राव साहब को बनाया गया, ठीक, ये चीज़ें आप देखिएगा, ये हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अगर मैं वहीं पे कब प्रस्तुत किया गया, आपका आंसर है 13 दिसंबर 1946, और 26 नवंबर 1949 क्या है, जब आपका उद्देश्य पूरे संविधान को लागू किया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुसूचियों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और पूरी तरीके से गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, ठीक। यहीं पर अगर मैं उद्देशिका से रिलेटेड कुछ और चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित करूँ, तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ये एक विचारणीय मुद्दा है। उद्देशिका में केशवानंद भारतीवादी में कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद में ही मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। अगर मैं इससे पहले बात करूं बेरुबारीवाद में, बेरुबारीवाद में कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी के बाद ही 42वें अगर आप देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन में अभी तक उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। अगर मैं उद्देशिका की बात करूं तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। उद्देशिका में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन किया गया है। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं, जैसा कि मैंने अभी उद्देशिका जब पढ़ा था या मैंने आपको बोला था, तो उद्देशिका में तीन प्रकार का न्याय कौन कौन सा है, मैं ऊपर लिखता हूं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, सॉरी धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अगर मैं समानता की बात करूं तो दो प्रकार की समानता, समानता है दो प्रकार की समानता, और अगर मैं वही बात करूं तो स्वतंत्रता, पांच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता कौन कौन सी है, अगर आप स्वतंत्रता की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता में कहा गया है विश्वास, विचार, धर्म, अव्यक्ति और उपासना, इन पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, कैसे कैसे क्या अगर पूछा जाए तो इजीली आप उन्हें करने में सक्षम हो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है मोरारजी समिति यानी मोरारजी देसाई समिति, विजय केलकर समिति, विवेक देव राय समिति और स्वर्ण सिंह समिति, ठीक। अगर मैं मोरारजी समिति की बात करूं तो 1966 की मैं बात करूं तो जब मोरारजी देसाई साहब थे तो आपको पता होगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जब लाया गया तो उसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई साहब कर रहे थे, लेकिन जब मोरारजी देसाई साहब क्या PM बनते हैं, उनका इलेक्शन होता है, इलेक्ट होने के बाद में जो प्रशासनिक सुधार आयोग थे उसके अध्यक्षता जो करते हैं वो के हनुमंतैया साहब करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कमीशन इससे खेल चुका है, ठीक। अगर मैं वहीं पे विजय केलकर की बात करूं तो ऑलरेडी विजय केलकर साहब की अगर मैं बात करूं तो 2002 और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वो यशवंत सिन्हा साहब थे, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को रेगुलेट करने के लिए यशवंत सिन्हा साहब को कहा था कि आप इस पे अपनी राय व्यक्त करें, और यशवंत सिन्हा साहब ने विजय केलकर समिति का गठन किया था, और विजय केलकर समिति के गठन के सुझाव पे ही आगे चल के GST को इंट्रोड्यूस किया गया। 2002 और 3 की यह बात है, ठीक। हमने GST में ऑलरेडी देखा है कि 101वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से GST को इंट्रोड्यूस किया गया है 1 जुलाई 2017 में। जो भारत का GST है वो कनाडा मॉडल पे है, और सबसे पहले विश्व में लागू करने वाला जो GST है वो
फ्रांस है। भारत में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य असम, सबसे लास्ट में लागू करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। अगर मैं जीएसटी काउंसिल की बात करूं तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल 279 क्लॉज ए में किया गया है। इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ में इसमें 33 मेंबर है। अगर मैं इसकी बात करूं 28 राज्यों से हैं, तीन आपके यूटी से हैं, एक आपके वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। कोरम के लिए 50% और वोटिंग के लिए 3/4 मेंबर होने चाहिए। अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं तो 05, 12, 18 और 28 का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। अगर मैं वहीं पे विवेक देवराय समिति की बात करूं तो 2016-17 में आपको पता होगा कि 2016-17 में 2016-17 के बजट में कुछ चेंजिंग्स किए गए, और चेंजिंग्स ये किया गया कि उसमें जो पहला चेंजिंग किया गया था नियोजित गैर नियोजित व्यय को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही नियोजित और गैर नियोजित व्यय को समाप्त करके पंचवर्षीय योजनाओं को भी समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही में अगर आप देखेंगे तो आम बजट का रेल बजट में विलय कर दिया गया। आम बजट का रेल बजट में जो विलय किया गया विवेक देवराय समिति के सुझाव पर किया गया है। 1921 में एक्वर्स समिति की सिफारिश में 1924 में रेल बजट को और आम बजट को अलग किया गया था, और 2017 के बजट में रेल बजट और आम बजट को विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे मर्ज किया गया है। ठीक, अगर मैं वही बात करूं स्वर्ण सिंह समिति की तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। हमारे मूल संविधान में अगर मैं बात करूं मूल संविधान की तो मूल संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 का आर्टिकल 51 का में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। अगर मैं बात करूं वही 86वें संविधान संशोधन 2002 में तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया। इसी के साथ में 86वें से ही अगर मैं बात करूं आर्टिकल 21 क्लॉज ए जो कि फंडामेंटल राइट शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। इसी के साथ में अगर बात करूं आर्टिकल 45 की तो आर्टिकल 45 डीपी एसपी में भी शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल अगर मैं 76 की बात करूं तो फंडामेंटल राइट में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, और डीपी एसपी में भी संशोधन आपको देखने को मिलता है। सो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख हमारे मूल संविधान में नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसी के साथ में बात करूं भाग 4 का और एक आर्टिकल 51 का। इसी के साथ में अगर 11वें की बात करूं 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, इतना आप जानिए, यकीन मानिए कि वनडे एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या फिर पीसीएस की भी मैं बात उतना नहीं कर रहा हूं, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो एक बार आप उन सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को आप देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी उनके दाएं बाएं खेलती है। यहां तक हमने अपना देख लिया कि मौलिक कर्तव्य के से रिलेटेड जो भी चीजें थी या जो भी इंफॉर्मेशन थी उसे हमने कवर कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति स्वविवेक से कर सकता है, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, या मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर, या राज्यपाल के आग्रह पर कर सकता है। ठीक, अगर मैं राष्ट्रीय आपात की बात करूं तो हमारे संविधान में जो आपात उपबंध है, आपात अगर मैं आपात उपबंध की बात करूं तो आपात उपबंध भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर मैं राष्ट्रीय आपात की बात करूं तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपात का मैं बात करूं तो हमारे संविधान में तीन आधारों पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र या संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। इसके लिए कहा गया है कि कैबिनेट की और पूरे संविधान में पहली बार कैबिनेट या मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन में। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट की लिखित अनुशंसा होनी चाहिए राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत
युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण देश में या किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा 30 दिन के भीतर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का कुल सदस्य संख्या प्लस उपस्थित यौम मत का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक, ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और एक बार पारित होने पे ये 6 माह के लिए लागू होता है और पुनः इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान देंगे। लेकिन सबसे खास बात यहां पर यह है कि राष्ट्रपति शासन को कभी भी 3 साल से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। 3 साल से ज्यादा, सॉरी, मतलब यह है कि आप राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से ज्यादा तभी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपको पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होगी। साथ ही अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो राष्ट्रपति कभी भी अपनी एक नई उद्घोषणा जारी करके राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रीय आपात को वापस ले सकता है। साथ ही साथ में अगर लोकसभा अपने 1/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात में आप देखेंगे कि जो हमारा संघात्मक ढांचा, सॉरी, हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है और राज्य सूची की जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों पर केंद्र का सामान्यता अधिकार जो होता है वो स्थापित हो जाता है और राज्य सूची के विषय में संसद कानून, नियम कानून पारित कर सकती है। सो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रपति शासन का संबंध है आर्टिकल 356, आर्टिकल 76, आर्टिकल 169, आर्टिकल 123। अगर यहीं पे मैं आर्टिकल 123 की बात करूं तो आर्टिकल 123 आपका अध्यादेश है, आई मीन राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। अध्यादेश कहते किसे हैं? जब संसद की सत्र न चल रहा हो और किसी ऐसे अति आवश्यक बिंदु या विषय पर कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश की वही शक्तियां होती हैं जो एक संसद द्वारा पारित किसी विधेयक या अधिनियम की होती है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे प्रकार के अध्यादेश को जारी नहीं कर सकता जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में हनन करता हो। इसके साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं मूल ढांचे के खिलाफ हो, इन दोनों के खिलाफ है तो राष्ट्रपति ऐसे विषय पे अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के अध्यादेश की तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू की मैं बात करूं तो आर्टिकल 32, इसके साथ में आर्टिकल 122 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश, सॉरी, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक, आई मीन मैं बात करूं आर्टिकल 226 की तो उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आर्टिकल 169 की तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद क्या है जब हम संसद देखेंगे तो वहां पे देख लेंगे, बट आर्टिकल 169 में यह कहा गया है कि जो आपकी विधानसभा है संसद को एक प्रस्ताव पारित करती है, प्रस्ताव पारित करने के बाद में आप देखेंगे कि संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से विधान परिषद का को बना भी सकती है और उसका समाप्ति भी कर सकती है। अगर मैं आर्टिकल 76 की बात करूं तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगर मैं आर्टिकल 356 की बात करूं तो राष्ट्रपति शासन कहते किसको है? जब किसी राज्य की सत्ता संविधान सम्मत न चलाई जा सके या नियम कानून कायदों के मुताबिक न चले तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद में संघात्मक ढांचा एकात्मक हो जाता है और राज्य सूची के विषय पे संसद नियम कानून बना सकती है और संसद नियम कानून जो बनाती है वो आर्टिकल
312 के, अगर जो मैं बात करूं राज्यसभा को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 249 और 312 में राज्यसभा को विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। अगर वहीं पे मैं बात करूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा कब करता है? जब राज्य की सत्ता संविधान सम्मत ना हो, संविधान सम्मत ना चलाई जा रही हो, तो राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन घोषणा कर सकता है और 60 दिन के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साधारण बहुमत से अनुमोदन करना पड़ता है, ठीक। और एक बार अगर अनुमोदन कर दिया जाए तो यह 6 माह के लिए लागू होता है और 6 माह के दोबारा लागू, 6 माह के बाद फिर अनुमोदन किया जाए तो इसे 1 साल के लिए लागू किया जा सकता है। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से ज्यादा लागू नहीं किया जा सकता है और 3 वर्ष से ज्यादा सिर्फ 2 कंडीशन हो सकती है, उस एरिया में अगर आर्टिकल 352 लागू हो और या तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग उस क्षेत्र में अगर ये कहे कि अभी इस एरिया में इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है तो 3 साल तक राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर मैं इसकी समापन पे बात करूं तो राष्ट्रपति कभी भी अपने उद्घोषणा को वापस ले सकता है, ठीक। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वित्तीय आपात वर्तमान में अब तक कितनी बार लागू किया गया है? 3 बार, 108 बार, 9 बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर मैं वित्तीय आपात की बात करूं तो वित्तीय आपात का जो उल्लेख है हमारे संविधान में आर्टिकल 360 में किया गया है और 360 की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है जब भारत की साख खतरे में हो या वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाए, ठीक। इन दोनों सिचुएशन में राष्ट्रपति आर्टिकल 360 को लागू कर सकता है और राष्ट्रपति के लागू करने के 60 दिन के भीतर मतलब 2 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को साधारण बहुमत से अनुमोदन करना होता है। अगर ये दोनों उपस्थित मत का 1/3 बहुमत से अनुमोदन कर दें तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाता है और यह तब तक लागू रहता है जब तक राष्ट्रपति अपनी नई उद्घोषणा के माध्यम से अपनी उसी उद्घोषणा को वापस ना ले ले, ठीक। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसका जो आंसर है वो है डी। अगर मैं बात करूं 3 की तो 3 बार अभी तक जो उल्लेख हुआ है राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत में 3 बार लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही एक चीज मुझे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 352 के लागू होते ही आर्टिकल 358 भी लागू होता है और इसके तहत आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर 359 लागू है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 359 को लागू करता है और जब 359 को लागू करता है तो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं ये सारे समाप्त होते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों समाप्त नहीं होते हैं। तो इतनी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज के हमने इन सारे सेशन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आएगा। अगर इससे पहले आपने भी पॉलिटी के सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटी में सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आप एक बार पॉलिटी के एमसीक्यूज उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप पॉलिटी कितना जानते हैं, ठीक है। तो सिर्फ देखने में लगता है कि पॉलिटी बहुत हल्का विषय है लेकिन यहाँ पे गलत होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब भी आप मॉक करते हैं ना तो वहां पे आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से सिली मिस्टेक हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत की संचित निधि, तो आप संचित निधि और लोक लेखा निधि में आप कंफ्यूज होते हैं। साथ ही मैं बात करूं आकस्मिक निधि की, तो आपको ये नहीं पता होता है कि आकस्मिक निधि किसके माध्यम से यूज किया जाता है और किस मतों को संचित निधि में रखा जाता है और किन मतों को लोक लेखा निधि में यूज किया जाता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि लेखा अनुदान क्या है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो वित्त विधेयक क्या होता है,
प्रश्नकाल शून्यकाल में कन्फ्यूजन होता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं राज्य के बजट की, तो खासकर आप केंद्र का तो पढ़ते ही हैं, लेकिन राज्य पे आपको उतना फोकस नहीं जाता है। सो आप पॉलिटी को भी उतना ध्यान दीजिए जितना आप अन्य विषयों को भी पढ़ते हैं। किसी भी विषय को हल्के में अगर आप लेते हैं तो यकीन मानिए कि ये आपके लिए हानिकारक ही होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो सही है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम अपने क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। सो कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।